हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट किया था। केमिकल बॉन्डिंग में हमने कॉजल लुइस के जो दो अलग अलग साइंटिस्ट ने मिलकर कंसेप्ट बनाया था, वो कंसेप्ट हमने कर लिया था। कंसेप्ट क्या था कि किसी भी एटम में हर एटम क्या चाहता है, हम बात करते हैं कोई भी एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो बॉन्ड बनाने का कारण हमने तीन साइंटिस्टों के हिसाब से बोला था, एक लुइस कॉजल स्ट्रक्चर, एक वीबीटी और एक एमओटी। ये तीन कंसेप्ट हमें पढ़ने, और चार तरीके की मेन बॉन्ड हमने देखी थी, आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट और वैन डेर वाल्स मेटैलिक हाइड्रोजन। तो इसमें बेसिकली तीन ही मेन है, और उसके अलावा अगर देखा जाए मेटेलिक और वो सब एक्स्ट्रा में है, वो सब हम पढ़ेंगे। तो इतना हमने किया था। तो उसमें हमने कहा था ये बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए पहला जो मेथड था वो किसने बताया, लुइस कॉसल नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, जो हमने स्टार्ट किया था। लुइस कॉसल ने क्या कहा था, हर एटम अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। एवरी एटम वांट्स टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, और उसके लिए चाहे वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ले सकता है या शेयर कर सकता है। ये थोड़ा सा हम 9th 10th में भी जानते थे। कोई भी एटम अपने आउटर मोस्ट में 8 करना चाहता है, ये लुइस कॉसल ने बताया। पक्का? तो अब इसके बाद हम पहले अपने टाइप ऑफ बॉन्ड स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट बॉन्ड इज आयोनिक बॉन्ड। कोशिश करेंगे और आज के लेक्चर में ये पूरी टाइप ऑफ बॉन्ड ही खत्म हो जाए, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है लिखेंगे, द बॉन्ड, बॉन्ड भी नहीं लिखे भाई, व्हाट इज बॉन्ड, अगर याद है व्हाट इज बॉन्ड, बॉन्ड इज द अट्रैक्शन बिटवीन टू, बॉन्ड क्या होता है, द अट्रैक्शन बिटवीन टू स्पीशीज, दो स्पीशीज में अट्रैक्शन होगी वो बॉन्ड होगी। ये सारे लास्ट लेक्चर याद करो, बॉन्ड क्या है, दो चीजों के बीच की अट्रैक्शन, और जब भी अट्रैक्शन होती है एनर्जी रिलीज होती है, ये बात याद रखनी है लास्ट लेक्चर में। तो व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, द अट्रैक्शन, द अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिटिवली चार्ज आयन्स आर नोन एज, आर नोन एज आयोनिक बॉन्ड। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड। बेटा मैं थोड़ा शॉर्ट ज्यादा यूज करता हूँ, तो तुम चाहो तो शॉर्ट लिखो, चाहो तो फुल लिखो, स्कूल में पूरा ही लिखना है ना, हम नोट्स में शॉर्ट लिखो जल्दी लिखा जाता है ना। बिटवीन है, अपोजिट है, नोन है, ठीक है? तो ये कुछ पढ़ने। तो बॉन्ड क्या है, दो आयोनिक बॉन्ड क्या है, दो आयंस अपोजिटिवली चार्ज आयन है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, अपोजिटिवली चार्ज यही है ना, चार्जेस अगर किसी पे हो तो उन्हें आयंस बोला जाता है। तो ये मान लेते हैं पॉजिटिव को हम बोलते हैं कैटायन, अगर किसी पे प्लस का चार्ज है उसे बोला जाता है कैटायन, जिसमें माइनस का चार्ज है उसे बोला जाता है एनायन, ठीक है? द अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटिवली चार्ज आयन, यानी कैटायन और एनायन के बीच की जो अट्रैक्शन है, मान लेते हैं ये जो अट्रैक्शन है, इस अट्रैक्शन को बोला जाता है, दिस अट्रैक्शन इज नोन एज, इसी को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। भाई आयोनिक बॉन्ड क्या, एक बार के लिए समझ में आ रहा है, बॉन्ड है तो होती है अट्रैक्शन, तो जब प्लस और माइनस अपोजिटिवली स्पीशीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, ऐसे में जो बॉन्ड बनती है उसे कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। एक चीज मैं बताता हूं, देखो जैसे मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ है, और अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट तुमने डाला वो नीचे गिरेगा, व्हाई, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, इसे बोलते हैं ना ग्रेविटेशनल फोर्स। बोलने का मतलब है दो मासेस के बीच में, मतलब ये मास वन है, ये मास टू है, M1 M2, यानी दो मासेस के बीच की जो अट्रैक्शन है उसे बोला जाता है, उस फोर्स को बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना? ऐसे ही जब दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द अट्रैक्शन बिटवीन टू आयंस, दो चार्जेस के अट्रैक्शन को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो क्या ये भी कह सकते हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू आयंस इज नोन एज आयनिक बॉन्ड, ठीक है? आयनिक बॉन्ड का एक नाम और होता है, इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड। इसी बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड भी बोला जाता है। दिस बॉन्ड इज नोन एज इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड। उम्मीद करता हूं इतना सबको समझ आ गया होगा, पक्का है ना? तो थोड़ा सा और आयनिक बॉन्ड को समझते हैं, थोड़ा लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिख चुके हैं। तो आयनिक बॉन्ड को, आज थोड़ा एसी खराब है बेटा इसलिए गर्मी ज्यादा लग रही है, चलो कोई क्या है, कुछ पॉइंट समझते हैं। एक वर्ड होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, है ना, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, है ना?
आयनिक बॉन्ड को समझने के लिए पहले ये कुछ टर्म समझो, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है ना, ये ऐसे लिखेंगे द एलिमेंट विच हैज, इसमें क्या लिखेंगे द एलिमेंट्स विच हैविंग एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट किसको कहते हैं, ध्यान देंगे, व्हाट आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, एलिमेंट्स विच इज हैविंग एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, ऐसे एलिमेंट जिनमें एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन देने की, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे लिथियम की बात करते हैं, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3। इसकी कॉन्फिगरेशन छोटी क्लासेस वाले लिख लेते हैं, 2,1, आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, आया ना, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद क्या बना लेगा, ये Li पहले था 3, तो इसका एटॉमिक नंबर है वो ने लिख दिया, चाहो तो मिटा देते, कंफ्यूजन हो, Li, तो ये क्या हो जाएगा, Li लिथियम। अब एक डोनेट कर दिया, एक निकल गया, तो इसकी कॉन्फिगरेशन क्या हो गई, ओनली 2, हाँ ना, और लिथियम में एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया इसलिए इस पे प्लस बना, तो ये एक तरीके का कैटायन हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है यानी? ऐसे अगर मैं बात करूं, मान लेते हैं हमने ले लिया सोडियम Na, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, कॉन्फिगरेशन हो गई 281, आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, इट कैन डोनेट वन इलेक्ट्रॉन, सेम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्या हो जाएगा, सोडियम Na, कॉन्फिगरेशन क्या हो गई 28, कॉन्फिगरेशन 28 होगी, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया इसलिए प्लस, और ये प्लस आया इसलिए क्या कहता है, मतलब देखो ये सब क्या, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, पक्का है ना। ऐसी अगर और बात करें, मान लेते मैग्नीशियम ले लिया हमने, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर बोलो, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 282, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2, अब ये भी क्या करेगा, इट कैन डोनेट, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट, भाई कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो मैग्नीशियम पर 2 डोनेट कर रहा था, Mg2+4 आ गया, कॉन्फिगरेशन क्या हो गई 282 निकल गया। ऐसे अगर बात करें कैल्शियम की, एटॉमिक नंबर कितना है 20, कॉन्फिगरेशन क्या है 2882, तो ये क्या करेगा, ये भी 2, आउटर मोस्ट में 2 है ना, डोनेट कर देगा, क्या हो जाएगा, कैल्शियम 2+ यानी 288 आया। और ये हम सब जानते भी हैं कि जब भी किसी के आउटर मोस्ट में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डोनेट करता है, 4 से आउटर मोस्ट में, 4 से ज्यादा अगर आउटर मोस्ट में है तो एक्सेप्ट करता है, तो इनके आउटर मोस्ट में 4 से कम है इसलिए डोनेट करता है। तो मेरा बोलने का मतलब क्या, दीज ऑल आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। तो व्हाट आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, एलिमेंट्स व्हिच इज हैविंग एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, पक्का है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है ना, एक सेकंड टर्म क्या है, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में क्या, एलिमेंट विच इज हैविंग एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स है ना, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी जिसमें होती है, बात समझ में आ गई अभी। यहाँ पे एक्सेप्ट भी लिख देता हूँ और एक वर्ड और लिख देता हूँ, द एलिमेंट विच इज हैविंग एबिलिटी टू एक्सेप्ट या अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। ये अट्रैक्ट मैंने क्यों लिखा है, ये बात कभी भविष्य में जरूर पता चलेगी, अभी के लिए क्या है, एबिलिटी विच इज हैविंग एबिलिटी, मतलब एलिमेंट्स हैविंग एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल अगर हम इसमें बात करें, जैसे कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की बारी आई, तो हमने ले लिया, मान लो कार्बन ले लिया, एटॉमिक नंबर 6, कार्बन तो यार 4 हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट, वो मतलब वो कोवलेंट बनाता है ना, मतलब ना ही लूज करेगा ना गेन करेगा, वो शेयर करता है, तो यहाँ पे एक्सेप्ट करवाना है, तो मान लो हमने नाइट्रोजन लिया, एटॉमिक नंबर कितना है 7, कॉन्फिगरेशन क्या होगी 2 5, 4 से ज्यादा है तो कितने 5 है,
तो कितना एक्सेप्ट करेगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा है ना भाई, एक्सेप्ट थ्री इलेक्ट्रॉन्स, तीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी इसकी भाई, 2 8। एक्चुअली याद है ऑक्टेट रूल, डबलेट रूल, अपने आउटर मोस्ट में 8 करना चाहता है तो 8 करने के लिए 5 है, 3 और ले लेगा 8 हो गए है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये चार क्या थे, डबलेट रूल फॉलो करते थे, तो ये आउटर मोस्ट में हमेशा 2 करना चाहते थे, ये सब 8 करना चाहते। ऐसे ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर 8 क्या हो जाएगा, 2 6, तो ये कितना एक्सेप्ट करेगा, इट विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी ऑक्सीजन की भाई, 2 8। अब देखो 2 एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए -2 चार्ज, ये 3 एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए -3 चार्ज आया। ऐसे फ्लोरीन की बात करें क्या होगा, 2 7 क्या करेगा ये भाई, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट और 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी इसकी, एफ माइनस हो गया, कॉन्फ़िगरेशन 2 8। एक आधा और देखो, मान लो अपन ने ले लिया सल्फर, एटॉमिक नंबर 16 है, 2 8 6, आउटर मोस्ट में 6 है, तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, क्या हो जाएगा S2- है ना, क्या हो जाएगा 2 8 8। बात समझ में आ गई या नहीं, तो ये सब क्या है, एनायंस है, दीज ऑल आर एनायन। और ये क्यों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट या लूज कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं या एक्सेप्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं या ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव देते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव लेते हैं, क्यों, डबलेट ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं, लुईस के हिसाब से भाई आउटर मोस्ट में 8 होना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही बात है। इनके नाम भी देख लेना, देखो जब भी कोई अकेला आइटम हो, क्या हो, अकेला आइटम हो, जैसे एन अकेला है, ओ अकेला है, एफ अकेला है, एस अकेला है, अकेला आइटम है और उस पर नेगेटिव चार्ज है, अकेला है और नेगेटिव चार्ज है, तो उसके नाम के लास्ट में आइड आता है, हमें ये केमिस्ट्री का रूल होता है, अकेला आइटम हो, नेगेटिव चार्ज हो, लास्ट में नाम में क्या आएगा, आइड, तो इसलिए इसका नाम क्या है, नाइट्राइड, क्या है नाइट्राइड, इसका क्या, ऑक्साइड, लास्ट के नाम में देखो आइड आ रहा है, ये एफ है तो फ्लोराइड, लास्ट में आइड आया, ये क्या है सल्फाइड, हाँ, तो इसी तरीके से नाम नेमिंग है। अभी मैं वैलेंसी नहीं करवा रहा हूँ, बट हमारे लिए मेन मुद्दे की बात है, ठीक। अब एक चीज और याद रखेंगे हमें, ये नोट है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के लिए, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स के लिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है, याद रखना है, फ्लोरीन मतलब कह लो सब में जितने भी केमिस्ट्री में 118 एलिमेंट होते हैं उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव जितने होते हैं उनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है, यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी इसी के अंदर है ना। फ्लोरीन है एक्चुअली ऑर्डर अगर बात करूं, फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर क्लोरीन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है, एक्चुअली बेसिकली ये ज्यादा है, होते तो और भी बहुत हैं, बट ये एक ऐसा ऑर्डर है जो बहुत काम आता है केमिस्ट्री, बहुत ही ज्यादा काम आता है। कौन कौन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ये सबसे ज्यादा है, तो एक इतना ऑर्डर याद रख सकते हैं हम लोग। तो हम आयनिक बॉन्ड पे वापस आते हैं, हमें ये चीज समझ आ चुकी है कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब क्या है, जो कि इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का मतलब जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो अब आयनिक बॉन्ड क्या होता है ये समझते हैं, लिखेंगे इसमें, अब आगे कंटिन्यू में लिखेंगे, व्हेन एन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, when an electropositive element loses its electron to form cation and simultaneously electro negative एलिमेंट एक्सेप्ट दैट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन आयन, देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज आयन आर नोन एज आयोनिक बॉन्ड। शायद कुछ समझ में आ गया। देखो यही एक आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन लिखवा दिए कि एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन दे और कैटायन बना ले, उसी वक्त कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो जो इलेक्ट्रॉन दिया है वो लेके क्या बना ले, एनायन बना ले। तो जो ये कैटायन एनायन बने इनके बीच की जो अट्रैक्शन है उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहीं पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे सोडियम है, क्या है सोडियम, कॉन्फिगरेशन हमें पता है इसकी क्या है, 281 281। अब ये क्या करेगा इसकी अगर ऐसे बात करें तो सोडियम पे लुईस स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, लुईस डॉट स्ट्रक्चर जगह बात करें तो NL आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है तो इस पे एक डॉट हमने बना दिया ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करना। इसके बगल में आया मान लो क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17, कॉन्फिगरेशन 287। इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या हो गया, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7। बेटा तुम चाहो तो डॉट से बना सकते हो, तुम चाहो तो क्रॉस से बना सकते हो, हाँ है ना। तो अब ये देखो सोडियम क्या चाह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसको देना, भाई सोडियम चाह रहा है एक इलेक्ट्रॉन मैं दे दूं, क्लोरीन चाह रहा है मैं एक इलेक्ट्रॉन ले लूं, तो क्या करेगा सोडियम अपना ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, इसको दे देगा, कहेगा भाई तू ले ले, डोनेशन हो गया, पूरा इलेक्ट्रॉन उछल के वहां चला गया, ऐसा नहीं है थोड़ा सा उसको दिया, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन निकल गया, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन वहां चला गया, यानी क्या हो गया ये सोडियम Na हो गया और जो ये क्लोरीन था, ये जो क्लोरीन था इस पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 7 थे, एक क्या हो गया एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, यानी क्लोरीन पे देखो आउटर मोस्ट में 8 हो गए, इस पे भी 8 हो गए, आया ना। इसी की वजह से जब एक इलेक्ट्रॉन इस पे चला गया तो इस पे चार्ज आ गया कैटायन का और इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस पे कितना आ गया एनायन का नेगेटिव, बात समझे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कैटायन पॉजिटिव है और इस पे नेगेटिव है इसलिए इसको क्या कहेंगे एनायन। इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इस पे एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसकी कॉन्फिगरेशन क्या हो गई 2a, ऑक्टेट रूल मस्ट फॉलो हो रहा है इसमें, इसने एक ले लिया कॉन्फिगरेशन क्या हो गई 288, इस पे भी आउटर मोस्ट में 8 हो गए, दोनों पे लुईस का फंडा क्लियर हो गया, यानी अब क्या हुआ सोडियम ने Na प्लस बनाया, क्लोरीन ने Cl माइनस, दोनों के बीच की जो बॉन्ड बनी इसी को कहते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या मेरी बात कुछ कुछ समझ आ रही है भाई, आयनिक बॉन्ड क्या है, एक कैटायन है एक एनायन है, कैटायन अपना इलेक्ट्रॉन देगा, एनायन वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मतलब लेने का एनायन बना लेगा, दोनों में अट्रैक्शन हो जाएगी, उसे आयनिक बॉन्ड हम लोग बोलेंगे। उम्मीद करता हूं समझ आया, दो चार और एग्जांपल देखते हैं। चलो देखिए आगे एक तो एग्जांपल और देखते हैं, मान लो हमने लिया NaF सोडियम फ्लोराइड, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, कॉन्फिगरेशन 281, सोडियम का आउटर मोस्ट में एक, ये इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा क्या फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, क्या हो जाएगा 27, इसको आउटर मोस्ट एक चाहिए भाई, ये क्या है इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ईपी लिख रहा हूं इलेक्ट्रो पॉजिटिव सॉरी इलेक्ट्रो नेगेटिव है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना इसको, नेगेटिव है सबसे ज्यादा होता है फ्लोरीन, ये क्या इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा अपना एक इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन को, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में देखो कितने 7 है, तो क्या करेगा ये अपना इलेक्ट्रॉन उठा के इसको दे देगा, तो सोडियम बचा प्लस हो गया और फ्लोरीन पे कितने 7 तो खुद के थे, एक यहां से मिल गया इसके 8 हो गए, इस पे कौन सा चार्ज आ गया माइनस का, Na प्लस हुआ F माइनस हुआ, अट्रैक्शन आ गई, इसी को क्या बोलेंगे दिस बॉन्ड इज नोन एज आयनिक बॉन्ड, इसी बॉन्ड को क्या बोला जाता है आयनिक बॉन्ड, इसी बॉन्ड को बोलते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, मान लो हमने ले लिया आपकी बात मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO ले लो, मैग्नीशियम ऑक्साइड
मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है देखो, Mg 12 282, यानी मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो है। अगला हमने यही पे लिखा ऑक्सीजन है ना, एटॉमिक नंबर कितना है इसका 8, कॉन्फिगरेशन 26, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने हैं 6। ऑक्सीजन को कितने चाहिए, दो चाहिए, मैग्नीशियम को कितने देने, दो देने, ये दोनों के दोनों उठा के इसको दे देगा, क्या हो जाएगा मैग्नीशियम जब दो चले गए तो Mg2+, ऑक्सीजन पे क्या आ गया देखो 6 तो खुद के थे और दो मिल गए मैग्नीशियम के, इसके भी देखो 8 हो गए, है ना। कॉन्फिगरेशन भी थोड़ा दिमाग में आना चाहिए, दो चले गए तो 2 8 बचा और इधर दो मिल गए तो 2 8 हो गया, दोनों के देखो 8 8 कॉन्फिगरेशन हो गया आउटर मोस्ट की, लुईस का फंडा क्लियर। तो ये क्या हो गया Mg पे 2+, ऑक्सीजन 2-, अट्रैक्शन में इसी अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, इसी अट्रैक्शन को क्या बोलता है आयनिक बॉन्ड, पक्का या नहीं। एक आधा और एग्जांपल देखें, मान लेते हमने अब की बार ले लिया कैल्शियम फ्लोराइड CaF2, क्या लिया कैल्शियम फ्लोराइड, भाई कैल्शियम के आउटर मोस्ट में कितने हैं जल्दी बताओ, कैल्शियम के आउटर मोस्ट में 20, मतलब कॉन्फिगरेशन है इसकी 2882, कैल्शियम के आउटर मोस्ट में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे 2 फ्लोरीन है, चलो एक फ्लोरीन की कॉन्फिगरेशन क्या है 27, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने हैं 7 है, एक और फ्लोरीन ले लेते हैं, भाई 2 फ्लोरीन है ना, इसके भी आउटर मोस्ट में कितने हैं 7, फ्लोरीन तो सेम ही है ना भाई, आउटर मोस्ट में इसके कितने हैं, इसके भी 7 है। अब फ्लोरीन तो एक चाहिए, इस फ्लोरीन को भी एक चाहिए, तो इसमें क्या किया एक इलेक्ट्रॉन उठा के इधर डाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, दोनों को एक एक दे दिया, तो ये फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 8 हो गए, है ना, कितने हो गए 2 8 हो गए, ये भी क्या हो गया 2 8 हो गया, और जब इसमें 2 दे दिए तो इसका क्या हो गया 2 8 8, और सबके आउटर मोस्ट में 8 है, लुईस का फंडा बहुत सही है, यानी कैल्शियम के 2 इलेक्ट्रॉन गए तो कैल्शियम हो गया Ca2+, फ्लोरीन हो गया F-, ये फ्लोरीन क्या हो गया F-, तो ये देखो इनके बीच में बॉन्ड, इसी को क्या बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, हाँ भाई कैटायन और एनायन प्लस और माइनस के बीच में बॉन्ड होनी चाहिए, अट्रैक्शन होनी चाहिए, उसे को ही आयनिक बॉन्ड बोला जाता है, बात समझ में, यही क्या हो गए हमारे आयनिक बॉन्ड हो गए, पक्का है। अब इसमें क्या होता है कि अब एक चीज और समझाता हूं कि यहां पे जैसे मान लो कैल्शियम 2+ है, कोई कहता सर मैं इसको ऐसा बना सकता हूं क्या, है ना, अगर रियल में 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर का सोचें तो क्या रियल में इसको क्या ऐसे बना सकता हूँ या ऐसे ही बना, मतलब रियल में कैसे होता है भाई, ये तो समझ आ गया बॉन्ड हो रही है, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये कहीं भी हो सकता है बेटा, जरूरी नहीं है ये सीधा हो, ये ऐसे भी हो सकता है, इसी के कारण आयनिक बॉन्ड्स जो होती हैं, आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड, इसलिए आयनिक बॉन्ड को नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड कहते हैं, इनकी कोई बॉन्ड मतलब डायरेक्शन नहीं होता, कोवेलेंट बॉन्ड का डायरेक्शन होता है, इसलिए उनकी ऐसे बनो को एक ही ऑप्शन हो सकता है, लेकिन आयनिक बॉन्ड का डायरेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड में डायरेक्शन होता है, आयनिक में डायरेक्शन नहीं होता, डायरेक्शन नहीं होता कहीं भी बना सकते, ये कैसे भी बन सकता, पक्का है नहीं श्योर। और एग्जांपल मुझे लगता कराने की जरूरत है बहुत है, ठीक है, 2-4 में होमवर्क में दे दूंगा तो कर लेना, है ना, शीट में डाल दूंगा तो तुम थोड़े से कर लो। नेक्स्ट इज भाई आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, है ना, आयनिक बॉन्ड ही चल रहा है, आयनिक कंपाउंड ऐसे लिखते हैं भाई, आयनिक कंपाउंड्स क्या हो गए जिनमें आयनिक बॉन्ड है, ऐसे कंपाउंड जिनमें आयनिक बॉन्ड है, आयनिक कंपाउंड जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड हो गए उन्हें कोवेलेंट कंपाउंड कहेंगे, तो हमें आयनिक बॉन्ड ढूंढना है ना, यानी आयनिक कंपाउंड बताना है, तो कैसे बताना याद रखना, आयनिक बॉन्ड हमेशा किन किन के बीच में बनती है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट या इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, इन दोनों के बीच की जो बॉन्ड है वही हमेशा आयनिक बॉन्ड होगी, है ना,
अब कौन कौन से इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं तो देखो कुछ नाम बताओ, ये याद रखने दो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है ना, रुबीडियम, सीजियम, कुछ टाइम में ये अपने आप में रट जाएंगे, एस ब्लॉक के हैं ये, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, अभी ज्यादा ऐसा नहीं जबरदस्ती रट्टा मारो ना, क्या बात समझ में आ गई। एक एल्यूमिनियम भी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की बात करें जो कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, उसमें क्या क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके अलावा एक और मैं लिख रहा हूं हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ले भी सकता है, इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड भी बहुत बनाता है, पर आयनिक भी बना सकता है ना, तो इसलिए हाइड्रोजन को मैंने अलग से सर्कल करके बना दिया, ठीक है। पूरा चैप्टर पढ़ोगे हाइड्रोजन तो पता चलेगा ये हाइड्रोजन अलग से क्यों बनाता है ना, इसको मतलब ये इतने एक्सेप्शन मतलब इतने गड़बड़े हैं इस हाइड्रोजन में, इसको अलग से पढ़ना पड़ता है, पूरा सेकंड पार्ट 11th में एक चैप्टर ही है पूरा हाइड्रोजन ना, वहां पढ़ेंगे। तो इन दोनों के बीच में अगर कभी भी बॉन्ड बन रही है ना, वो आयनिक होगी। बात समझ में आ रही है। इन दोनों के बीच में से एग्जांपल के तौर पे यहां से Na ले लो, यहां से S ले लो, तो क्या बन जाएगा, Na2S सोडियम सल्फाइड। बेटा ये वैलेंसीज तो आनी चाहिए शायद, है ना, सोडियम की वैलेंसी 1 है, सल्फर की 2 है, तो Na2S हो गया, है ना, तो ये क्या है, आयनिक है। जैसे कुछ एग्जांपल्स की बात करें, ठीक है, और जैसे मान लो यहां से Ba ले लिया, यहां से ऑक्सीजन ले लिया, तो BaO। अगर किसी को सर इनकी वैलेंसी हमें पता ही नहीं तो मैं बदल देता हूँ ना, रूबीडियम सीजियम इनकी प्लस वन होती है, इन दोनों की प्लस टू, एक्चुअली ये पूरी लाइन की प्लस टू होती है, पूरी लाइन की प्लस वन होती है। एल्यूमिनियम की पता ही हमें क्या होती है, प्लस थ्री होती है। यहाँ से हमें पता है नाइट्रोजन फॉस्फोरस माइनस थ्री, ऑक्सीजन सल्फर माइनस टू, फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन माइनस वन, और हाइड्रोजन माइनस वन, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, मैं कुछ बोर्ड पे ऐसे लिख करता हूँ, कुछ कंपाउंड्स लिखता हूँ, तुम बताओ वो आयनिक है या नहीं, ठीक। एक क्वेश्चन भी हो जाएगा लोग यहाँ, है ना, क्वेश्चन ही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयनिक कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयनिक कंपाउंड, इनमें से कौन से आयनिक कंपाउंड है। तुम्हें क्या करना है, अगर आयनिक है तो सामने टिक लगा देना, आयनिक नहीं है तो सामने क्रॉस लगा देना। जैसे कुछ एग्जाम्पल, NaCl, Li2O, NH3, H2O, बेरियम क्लोराइड, रुबीडियम फ्लोराइड, कैल्शियम, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड ले लेते हैं, एल्यूमिनियम नाइट्राइड ले लेते हैं, बेरियम ऑक्साइड हो गया, नहीं होते, बेरियम ऑक्साइड ले लेते हैं, और क्या लेते हैं, PH3 ले लेते हैं, H2O हो गया, है ना, PCl5 हो गया, NaH हो गया, CaH2 हो गया, NaH हो गया, इतना बहुत है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो मैं काम करो, वीडियो पॉज करो, और जो है उसके आगे टिक लगा दो, जो नहीं है उसके आगे क्रॉस लगा दो, फिर मेरे आंसर से चेक कर लो, है ना। चलो मैं करवाता हूँ, शायद टिक कर लिया होगा। तो NaCl है या नहीं, बिल्कुल है। Na क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, उसमें देखना मैंने मैंने लिखा है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रो नेगेटिव है, बिल्कुल है। लिथियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रो नेगेटिव, बिल्कुल है। Na इलेक्ट्रो नेगेटिव, और हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रो नेगेटिव लिखा है मैंने, तो ये नहीं। ये दोनों भी क्या है, इलेक्ट्रो नेगेटिव में है, नहीं। ये क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ये क्या है, इलेक्ट्रो नेगेटिव, बिल्कुल है। रुबीडियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव, फ्लोरीन इलेक्ट्रो नेगेटिव, बिल्कुल है। ये भी देखो, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो नेगेटिव,
बिल्कुल है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव बिल्कुल है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव बिल्कुल है, दोनों ये इलेक्ट्रो नेगेटिव ये भी इलेक्ट्रो नेगेटिव नहीं है, है ना, ये दोनों इलेक्ट्रो नेगेटिव है, देखो नहीं है, इलेक्ट्रो नेगेटिव है ये भी दोनों नहीं है, कैल्शियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रो नेगेटिव बिल्कुल है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव बिल्कुल है, आया ना। और यहाँ पर इन दोनों को मैंने अलग से इसलिए भी लिख दिया था, एक बात चाहे तो ऐसे भी सर्कल बना के लिख लेना कि देखो जब मेटल और हाइड्रोजन जुड़े, देखो हाइड्रोजन तो बहुतों के साथ जुड़ता है, H2O में हाइड्रोजन है ना, pH NH3 अमोनिया हम सब जानते हैं, इसमें भी हाइड्रोजन है, बट यहाँ पर नाइट्रोजन एक नॉन मेटल होता है, तो नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन है कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब मेटल के साथ हाइड्रोजन होगा तो ये इंपॉर्टेंट हाइड्राइड होते हैं ना, इनको कहते हैं हाइड्राइड, है ना, मेटेलिक हाइड्राइड, इनकी इंपॉर्टेंस बहुत है केमिस्ट्री में, मेटेलिक हाइड्राइड बोलते हैं, बस अभी के लिए इतना ही लिखो, बाद में कभी बात करेंगे, इन्हें मेटेलिक हाइड्राइड्स बोलते हैं, है ना। तो हमारे लिए तो देखो यहाँ पे सीखने वाली बात क्या थी कि इनमें से कौन से आयनिक है और नहीं है, तो ये हमें समझ आ गया होगा भैया आयनिक है और ये नहीं है, इसीलिए हम आपको देख के बता सकते हैं भैया आयनिक होगा या आयनिक नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, हेडिंग लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड, है ना, हेडिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं ना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे और हमारा आयनिक कंप्लीट हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड बहुत लंबा नहीं है, इस चैप्टर का मेन मुद्दा है कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट बॉन्ड हमें बहुत डिटेल में करना है, डिटेल में तो आयनिक भी कर रहे हैं, बट आयनिक क्या लुईस अकेला ही समझा देता है, कोई एक्सेप्शन है नहीं, बहुत ईजी वाला सा फंड है, इसलिए आयनिक बॉन्ड डिटेल में अलग से करने की जरूरत, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल्ड होता नहीं है इसमें, देखो कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, पहला है ना, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी बात है लिखेंगे, इट इज अ नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड, है ना, बॉन्ड बोल रहा था आयनिक बॉन्ड क्या, इट इज एन, या ऐसे लिख लेना आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड इज अ नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड, इज अ नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड, मैंने अभी समझा था कि भाई इसको नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड क्यों कहते हैं, हाँ इट इज अ नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड, है ना, एग्जाम्पल के तौर पर चाहे ऐसे लिख लेना कि कैल्शियम फ्लोराइड है तो उसको चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, इनमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, इट इज अ नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड, पक्का, ठीक है, दिस बॉन्ड, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, ऐसे दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, कौन से टाइप ऑफ कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, कंटेन इलेक्ट्रो नेगेटिव एंड इलेक्ट्रो पॉजिटिव स्पीशीज, इलेक्ट्रो पॉजिटिव स्पीशीज, मतलब ये कंपाउंड में एक इलेक्ट्रो नेगेटिव स्पीशीज होती है, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव, एग्जाम्पल के लिए NaCl, अब NaCl में Na क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और Cl क्या है, इलेक्ट्रो नेगेटिव है, तो यही वही वाली बात है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव के साथ वजह से होता है, आया ना, पक्का। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड की, तीसरा लिखेंगे आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड इन नेचर, यानी जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं वो सॉलिड होते हैं, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस तीन होते हैं ना स्टेट्स ऑफ मैटर, तो उसमें आयनिक कंपाउंड हमेशा क्या होते हैं, सॉलिड, जैसे मैं कोई भी आयनिक कंपाउंड लिख दूं NaCl है ना, Na2S, KCl, कुछ भी, दीज ऑल आर सॉलिड, हर आयनिक कंपाउंड सॉलिड होता है, बट हर सॉलिड आयनिक कंपाउंड हो ये कोई जरूरी नहीं है ना, उल्टी बात है, सॉलिड है
तो आयनिक ये जरूरी नहीं है, लेकिन जब भी आयनिक कंपाउंड का नाम आता है तो ये बाय डिफॉल्ट है कि वो क्या होगा, सॉलिड ही फॉर्म में होगा, वो सॉलिड होना ही चाहिए, है ना। चौथी अगर एक पॉइंट लिखे, है ना, चौथा एक्चुअली पॉइंट इसी का ही रीजन है, ऐसे लिख लेंगे, आयनिक बॉन्ड आर द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है, आउट ऑफ आयनिक कोवेलेंट कोऑर्डिनेट मेटालिक हाइड्रोजन बॉन्ड वैन डेर वाल बॉन्ड जितनी भी बॉन्ड्स हम आगे वाले भविष्य में पढ़ने वाले फ्यूचर में पढ़ने वाले उनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सी है, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इन केमिस्ट्री, मेरी बात ध्यान रखना, आयनिक बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, तो यही है कि आयनिक बॉन्ड्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, और यही कारण है कि ये सारे के सारे सॉलिड होते हैं, इतनी मजबूत है। एक्चुअली देखो सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है, छोटी क्लासेस में पढ़ा था भाई, अगर पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हैं तो गैस, थोड़े पास हैं तो लिक्विड है ना, और बहुत ज्यादा पास है, टाइटली बाउंडेड है, पास पास है तो सॉलिड, यही होता है। अब ये इनको दूर दूर या पास कौन लेके आ रहा है, तो एक्चुअली ये होते हैं दो पार्टिकल्स के अट्रैक्शन, दो जो दो पार्टिकल अट्रैक्ट कर रहा है, तो सॉलिड में पार्टिकल की अट्रैक्शन सबसे मजबूत होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, तो ये पार्टिकल दूर जा ही नहीं पाते, पास पास में से चिपके हुए रहते हैं, बात समझे, तो चिपके हुए रहने के कारण ही हमेशा क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। यानी जब भी आएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉलिड, तो ऑप्शन में पहले नजर मारना किस पे, आयनिक पे, अगर आयनिक कंपाउंड है तो 100% क्या होने वाला है, सॉलिड होने वाला है, पक्का है नहीं। पांचवा पॉइंट हम देखेंगे, आयनिक कंपाउंड्स आर, आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, ये हमेशा क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन इन नेचर, इन्हें क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, यानी दैट इज फॉर्म्स लैटिस, मैं समझाता हूं जो बात करूं, दैट इज फॉर्म लैटिस भाई, ये तो मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बार सुना होता है लैटिस, यानी कहने का मतलब ये मान लो अभी के लिए ऐसे समझो दाने दाने से नमक के दाने होते हैं ना, यानी क्रिस्टल्स होते हैं, तो आयनिक कंपाउंड हमेशा क्रिस्टल ही बनाता है, आयनिक कंपाउंड के क्रिस्टल होंगे ही होंगे, और जिनके क्रिस्टल्स होते हैं उन्हें ही बोला जाता है लैटिस। मैं और फिर भी इसको और डिटेल में ले रहा हूँ, समझा रहा हूँ भी, बट अभी एक बात के लिए पॉइंट समझ में आ गया पक्का, चलो इस पॉइंट को देखो, चलो अगला देखते हैं क्या मैं समझा रहा हूँ, लैटिस का मतलब समझा रहा हूँ, कुछ बातों का जवाब देना मेरे साथ साथ, है ना, मन में सोचना भी। मान लो अगर मैं NaCl की बात करता हूँ, NaCl, Na का Cl का मतलब क्या है, जैसे एक Na है, ध्यान देंगे सब लोग, ये एक Na है ना, Na प्लस, तो अगर मान लो इसके बगल में कहीं पे Cl माइनस आया तो ये अट्रैक्ट कर लेगा, Na प्लस Cl माइनस आयनिक बॉन्ड बनेगी, पक्का है नहीं, बिल्कुल बनेगी, आयनिक बॉन्ड बनेगी। मेरा सवाल यह है कि मान लो इस सोडियम के पीछे अगर एक क्लोरीन और आ जाए, मान लो इस तरीके से, तो क्या ये अभी भी इसको अभी भी अटैक करेगा, इस बात का जवाब कुछ ऐसे सोचो, ये एक मैग्नेट है, ठीक है, एक मैग्नेट है, इसके पास एक लोहे का पीस रख दिया, अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, जब ये मान लो एक पीस यहां रख दिया, एक पीस यहां रख दिया, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा या इसको अट्रैक्ट करेगा, बेटा ये दोनों को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जब सोडियम ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया वो क्यों बनाया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कारण प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसमें कोई और केमिस्ट्री नहीं लग रही है, इसमें तो सिंपल फिजिक्स वाला फंडा लग रहा है, प्लस माइनस अट्रैक्ट ईच अदर, है ना, जो हमेशा सुनते आ रहे हैं, तो भाई प्लस और माइनस अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जब इस प्लस के पीछे माइनस आया तो ये उसको भी अट्रैक्ट करेगा, तो ये इसने इसको भी अट्रैक्ट कर लिया, मान लो इसके नीचे एक आ गया तो ये उसको भी अट्रैक्ट कर लेगा, इसके पास कहीं से भी क्लोरीन आए ये तो सारे क्लोरीन को अट्रैक्ट करेगा, ये यहां से भी अट्रैक्ट कर लेगा, मान लो इस क्लोरीन के बगल में एक सोडियम आया ये उसको भी अट्रैक्ट कर लेगा, यानी ये देखो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनता हुआ चला जाएगा, क्या मेरी बात समझ आ रही है, देखो है ना, इस तरीके से हर तरफ से इसको प्लस माइनस मिलते जाएंगे, ये बनता जाएगा, देखो ये तो मैंने 2D में बनाया, ये तो 3D में भी बन सकता है, कैसे, देखो कुछ ऐसे भी बन सकता है,
हो सकता है ऐसे भी बन सकता है ना, इसमें क्या दिक्कत है? यहाँ पे एक Na प्लस है तो बगल में यहाँ पे Cl माइनस हो गया, यहाँ पे Cl माइनस, यहाँ पे Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, Na प्लस Cl माइनस। इसी तरीके से बेटा आगे पीछे हर तरफ फैलता चला जाएगा, इधर और बढ़ जाएगा, आगे भी आ जाएगा, है ना, हर तरफ। मतलब इस तरीके के क्यूब है मान लो, और खूब सारे इनफाइनाइट क्यूब्स हो जाएंगे आगे पीछे दाएं बाएं, है ना, ऐसा होता है एक्चुअली। जो नमक तुम जानते हो इसी तरीके के, एक नमक के दाने में ऐसे खूब सारे क्यूब्स होते हैं, है ना, और इसी को बोला जाता है लैटिस स्ट्रक्चर्स, इनको बोलते हैं लैटिस स्ट्रक्चर्स, है ना, जो इस तरीके के बनाते हैं। तो सिर्फ आयनिक कंपाउंड में ही ऐसी एबिलिटी है कि वो ऐसे लैटिस बना सके, इसीलिए बोला जाता है क्रिस्टलाइन इन नेचर। बहुत बार सुना होता है दिस कंपाउंड इज क्रिस्टलाइन इन नेचर, तो कहने का मतलब क्रिस्टलाइन क्या है, जो इस तरीके का रेगुलर अरेंजमेंट बना, यानी उसमें दो स्पीशीज ऐसे रिपीट होकर थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, आया ना, तो उन्हें क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन। मैं यहाँ पे एक चीज और रिपीट कर देता हूँ, दोबारा सुन लो, आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, ठीक है, बट हर क्रिस्टलाइन आयनिक होना जरूरी नहीं है, क्रिस्टलाइन तो बहुत होते हैं, बट आयनिक कंपाउंड हमेशा क्रिस्टलाइन होता है, हो पक्का। चलो तो ये सबको समझ आ गया होगा, कौन सा पॉइंट था, शायद चौथा था पांचवा था, देख लेना बेटा मैं भूल गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट शायद चार हो गए थे, पांचवा लिख रहा हूं, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स आर डैश कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बाय आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड्स आर डैश कंडक्टर, मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तुम्हें भरना है। चलो मैं दो लाइनें लिखता हूं, ध्यान देंगे, आयनिक कंपाउंड्स आर डैश कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तुम लोग भरो भाई, बताओ गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर। चलो मैं बताता हूं, बैड कंडक्टर और गुड कंडक्टर दोनों ही बातें सही है भाई, आयनिक कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये कैसे हो सकता है सर भाई, गुड होगा या बैड होगा दोनों कैसे होगा, दोनों होते हैं आयनिक कंपाउंड, कैसे होते हैं, अलग अलग कंडीशन पे, ये कब होंगे, सॉलिड हो यानी प्योर फॉर्म हो, जैसे कहने लगा नॉर्मल जो सॉलिड होता है आयनिक कंपाउंड जो सॉलिड है, ठीक है। लेकिन आयनिक कंपाउंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कब है, जब वो मोल्टन फॉर्म में हो, जब उन्हें पिघला दिया गया, जब पिघले हुए हो तो गुड कंडक्टर है, और जब सॉलिड हो तो बैड कंडक्टर। इस बात को एक्सप्लेन करते हैं कैसे, देखो तो सॉलिड में कैसे, अभी हमने बात किया था, जैसे एग्जांपल के लिए Na प्लस की बात करें, तो Na है, ये Cl है, अब देखो तुम्हें पता है NaCl तो हर तरफ से ऐसे फैला हुआ है, बात समझ में आ रही है, खूब सारे और भी Na प्लस Cl माइनस है, आया ना, तो इनकी जो मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ आयंस रेस्ट्रिक्टेड भाई, देखो एक चीज समझो को भाई, करंट का मूव करना कब होता है, जब चार्जेस मूव करें, जब भी चार्ज मूव, देखो केमिस्ट्री फिजिक्स में करंट मूव होता है इलेक्ट्रॉन के मूव होने से, इलेक्ट्रॉन भी चार्ज है, पर हमारे केमिस्ट्री में तो केमिकल्स है, तो केमिकल्स में आयन कैटायन एनायन होते हैं, हमारे केमिस्ट्री में जब करंट पास कराने की बात आती है केमिकल में से, तो उसका मतलब है हमें कैटायन या एनायन्स को मूव कराना है, प्लस या माइनस को मूव कराना है। तो देखो इसका जो प्लस और माइनस है वो बंधा हुआ है, तुम्हें पता है ना, अभी मैंने बताया इसका स्ट्रक्चर तो फैला होता है डायरेक्शन में, तो ये इतना टाइटली पैक्ड है कि ये मूव नहीं कर पाएगा, बिल्कुल फंसा हुआ है तरफ से, तो मूवमेंट्स ऑफ आयन रेस्ट्रिक्टेड, ये मूव नहीं कर सकते, ये फंसे हुए हैं सॉलिड में ऐसा। लेकिन मोल्टन, मैंने इसको इतना गर्म किया कि ये पिघल गया, तो गर्म करने के बाद पिघलने का मतलब क्या है, इसकी ये जितनी भी बॉन्ड थी वो सब टूट गई, तो अब ये कैसे बचा, सिर्फ Na प्लस और Cl माइनस बचा, सारी बॉन्ड्स टूट चुकी है, और ये बहुत हाई टेम्परेचर होता है बेटा, छोटा मोटा नहीं होता ना, NaCl को पिघलाने के लिए तकरीबन 700-800 केल्विन टेम्परेचर देना होता है, तो बहुत हाई टेम्परेचर दो तो ये सारी बॉन्ड टूट गई, अब ये फ्री है, तो
अब इनका मूवमेंट क्या है, मतलब इजी टू मूव, अब ये कहीं भी मूव कर सकते हैं, मतलब इजी टू मूव, अब ये मूव कर सकते हैं, इस वजह से क्या होगा, करंट पास हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, ये वाला पॉइंट भी सबको समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, छह सात जून सा भी नंबर है, लिख लेना। आयनिक कंपाउंड्स आर हाईली सॉल्युबल इन वॉटर। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं पानी में जबरदस्त डिजॉल्व होते हैं, है ना। जैसे का मतलब है ये NaCl है, NaCl है जो कि अभी सॉलिड है, अगर इसको पानी में डाल दें तो ये क्या हो गया, NaCl एक्वस हो जाएगा, यानी पानी में डिजॉल्व हो चुका, हाईली सॉल्युबल होता है। बात समझ में आ गई या नहीं, ये क्या है, हाईली सॉल्युबल होता है, पक्का या नहीं। चलो तो यहां तक हमारा ये पॉइंट हो गया। अब किसी को डाउट हो इसमें, एक बेसिकली एक डाउट मुझे बड़ा पैदा हुआ था जब मैंने मेरे टाइम पे ये पढ़ा था, मैं डायरेक्टली वो डाउट क्लियर डिस्कस कर रहा हूँ कि हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो मैंने मेरे टाइम पे अपने टीचर से पूछा था ये बात कि सर एक चीज समझना, कोई भी चीज पानी में डिजॉल्व कैसे हो, जैसे NaCl है ना, ऐसे समझते हैं ये NaCl है, ये NaCl है, ये Na है, ये Cl है, ये इस तरीके से बॉन्ड है और ये जुड़ेगा। अगर मैं इसको पानी में डालता हूँ तो ये अगर सॉल्युबल कब होगा, जब इसकी बॉन्ड टूट जाएगी और ये डिजॉल्व हो जाएगा, इन दोनों की बॉन्ड टूट गई और ये पानी में अलग हो गए और डिसॉल्व हो जाएगा, पक्का है नहीं। और डिसॉल्व से मुझे एक चीज याद आ रहा है, देखो ये अलग अलग हो जाते हैं ना पानी में जाके, ये Na प्लस है Cl माइनस है, बॉन्ड टूट गई अलग हो गए। तो जहां पे मैंने वो लिखा ना गुड कंडक्टर मोल्टन लिखवाया, तुम उसके नीचे एक्वस भी लिख लेना, है ना, मोल्टन, जहां से मैंने मोल्टन लिखवाया है ना, उसके ऐसे लिख लेना, या एक्वस पानी में डाल के या पिघला के, दोनों केस में बॉन्ड टूट जाते हैं, समझ रहे, जो आयनिक बॉन्ड है टूट गया अलग हो गए, तो मोल्टन और एक्वस दोनों में हो जाता, पक्का। तो एक मेरे टाइम पे एक डाउट था, वही मैं बात कर रहा हूं कि भाई इसकी बॉन्ड, इसको पानी में डालते ये बॉन्ड इजीली टूट जाती है, यानी कि जैसे ये Na है, Na प्लस Cl माइनस, यानी बॉन्ड है, और जैसे इसको तुमने पानी में डाला, हुआ क्या है, Na प्लस भी एक्वस हो गया और Cl माइनस भी एक्वस हो गया, एक्चुअली इनके बीच की बॉन्ड टूट गई। तो बिल्डअप ये है कि पानी में डालते टूट गई, बिल्कुल टूट जाएगी, ठीक है। आयनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होती है केमिस्ट्री की, आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इन केमिस्ट्री, सबसे मजबूत बॉन्ड है, बट फिर पानी में जाके टूट कैसे गई, पानी मैं कह रहा हूं केमिस्ट्री की सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आयनिक बॉन्ड है और इतनी स्ट्रॉन्ग है पानी में डालो टूट गई, यानी नमक को पानी में डालो अपने आप डिजॉल्व हो रहा है, यानी पानी में डालते अपने आप टूट रही है, तो काय की दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगी। वहीं पे अगर मैं CO2 की बात करता हूँ, है ना, बाकी पढ़ेंगे आगे, एक बार के समझो, CO2 ऐसा होता है, CO2 को पानी में डालो तो ऐसा तो नहीं है कि CO2 की बॉन्ड टूट के O अलग हो गया, C अलग, O अलग, ऐसा तो नहीं होता, CO2 पानी में ऐसे डाल के अलग अलग नहीं होता, यानी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं टूटती है बट आयनिक टूट जाती है, और जिसमें आयनिक सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ऐसा क्यों सर, कुछ डाउट क्लियर हुआ, पहले डाउट दिमाग में पैदा हो, डाउट पैदा होगा तभी क्लियर करने में मजा आएगा, यानी अल्टीमेटली मेरा सवाल यह है कि भाई आयनिक बॉन्ड इतने इजीली पानी में टूट कैसे जाते हैं, मतलब इतने इजीली कैसे ब्रेक हो गए, चलो पांच मिनट लगेंगे समझाई देता हूं। तो होता क्या है इसको समझो, बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत जबरदस्त दिमाग खोलता है ये बात, है ना। जैसे NaCl सॉलिड है, NaCl क्या है, सॉलिड है, तुमने इसको किस में डाल दिया, पानी में डाला, तो होगा क्या, समझो NaCl एक्वस हुआ और यही एक्वस Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस बना,
ये क्या लिख रहे हो सर, समझ नहीं आ रहा, मानता हूं अभी समझ नहीं आ रहा, देखते हैं। NaCl क्या होगा, NaCl कुछ ऐसा होता है प्लस, इसके पास एक और माइनस, ऐसे ही हर डायरेक्शन में होता है ना भाई, हर डायरेक्शन में फैला है ये NaCl, मैंने एग्जांपल लिया है बट ये तो सभी डायरेक्शन में फैला होता है इस तरीके से, है ना, मैं बस इतना ही बना रहा हूँ, हर डायरेक्शन में ऐसा फैला हुआ है। मैं साइड में लिखा हूं पानी H2O को हम इस तरीके से लिखते हैं, ये H2O, अभी देखिए ना मैं H2O को ऐसे ना बना के कैसे बना, H2O में एक प्लस और एक माइनस होता है, इसको पोलर बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल, मैं पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर में आएगा डिटेल में, बट अभी एक यूज होने वाला है इसलिए सिर्फ इतना सा लिख रहा हूँ। पानी को मैं ऐसे कैप्सूल की तरह बनाऊंगा जिसका मतलब है पोलर, पानी पोलर होते हैं, उसमें एक थोड़ा सा प्लस माइनस दोनों होते हैं। तो मैंने क्या किया, पानी में क्या डाल दिया, पानी यानी कि खूब सारे ऐसे कैप्सूल पड़े प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस वाले खूब सारे कैप्सूल से इस तरीके से आयन्स पड़े हैं, मॉलिक्यूल्स पड़े, उसमें बाहर से मैंने नमक डाल दिया, NaCl डाल दिया। अब देखो NaCl डाल दिया, ये मान लो भूखे शेर में खाना डाल दिया है कुछ इस तरीके से, ये देखो ये एक तरीके NaCl तुमने डाला। अब मुझे एक चीज बताओ, जो ये पानी का कैप्सूल है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ये है, तो जैसे पानी में तुम NaCl डालोगे, पानी में भी तो प्लस माइनस है भाई, क्लोरीन माइनस है, सोडियम प्लस है, तो प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब होगा क्या, ध्यान देना, होगा क्या, जो ये पानी का माइनस है, जैसे मान लो ये पानी का ये माइनस है, ये माइनस वाला जो हिस्सा है ये सोडियम के पास आएगा और सोडियम पे अट्रैक्ट हो जाएगा, भाई हो जाएगा ना, पानी के चारों, पानी जो होगा वो सोडियम को घेरने लगेगा चारों तरफ से, ऐसे ही पानी का जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है वो क्लोरीन को चारों तरफ से घेरने लगेगा, बेटा ये होता है ना ऐसे, ये अट्रैक्शन होने लगता है, ये घेर लेगा, पक्का है नहीं, देखो यहाँ पे प्लस और माइनस अट्रैक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे माइनस और प्लस अट्रैक्ट हो रहे हैं, भाई अट्रैक्शन ही तो हो रही है प्लस माइनस के बीच में। एक चीज याद करो, मैंने एक टाइम पे पढ़ाया था, एक टाइम पे क्या पिछले लेक्चर में, बॉन्ड क्या होती है, अट्रैक्शन, तो यहाँ पे बॉन्ड हो रही है, अट्रैक्शन हो रही है, तो बॉन्ड तो बन रही है, बॉन्ड बन रही है, और मैंने बोला एवरी बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक होता है, देखो यहाँ पे जब बॉन्ड बनी है तो जब भी बॉन्ड बनेगी एनर्जी निकलेगी, मैंने बताया एनर्जी रिलीज होगी, बाहर पैदा होगी, तो जो यहाँ पे बॉन्ड बनी तो यहाँ पे एक एनर्जी रिलीज होगी, तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज ड्यू टू अट्रैक्शन, है ना, किस किस की अट्रैक्शन है, चाहे तो ब्रैकेट में लिख लो, आयन की और डाइपोल की, है ना, डाइपोल क्या होता है वो आगे आप वक्त में समझेंगे, अभी पानी को डाइपोल बोल रहे हैं ना, पानी में और इस आयन में अट्रैक्शन हुई तो उसके वजह से एनर्जी रिलीज हुई, उसको क्या कहते हैं, नोन एज दिस, इस एनर्जी को बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी, इसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी, यानी जब भी हमने आयन, किसी आयनिक कंपाउंड NaCl को पानी में डाला, किसमें डाला, पानी में डाला, तो पानी में डालते ही इतनी पानी में डाला तो पानी के मॉलिक्यूल ने उस आयन को घेर लिया, घेरने लग गए तो घेरा तो घेरा, ऊपर से एनर्जी निकली, एनर्जी बहुत सारी पैदा हुई, और यही एनर्जी, है ना, यहीं पे लिख रहा हूं, दिस हाइड्रेशन एनर्जी, एच ई लिख रहा हूं, हाइड्रेशन एनर्जी इज यूज टू ब्रेक आयनिक बॉन्ड, और यही एनर्जी निकलेगी और यही इस आयनिक बॉन्ड को तोड़ने में मदद करेगी, बात समझे, तुम्हें बाहर से नहीं देनी, मतलब इसमें इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है, और यही सारी एनर्जी NaCl वापस एब्जॉर्ब करता है और अपने ये बॉन्ड्स को तोड़ने में मदद करता है। तो क्या हुआ, इसमें इतनी एनर्जी निकली कि ये सारी बॉन्ड टूट गई, तो क्या हो गया, जैसे मान लो Na, दो ही बना रहा हूं, Na प्लस और Cl माइनस है, तो खूब सारे ना, दो ही बना रहा हूं, है ना, ये टूटा, ये सारे अलग हो गए और अब पानी ने इनको चारों तरफ से घेर लिया,
बात समझ में आई या नहीं? अगर किसी को डाउट हो तो मुझे बोल सकता है ना, मुझे भेज देना, मैसेज में बता दूंगा दोबारा समझाऊंगा। इस तरीके से घेर लेगा, ऐसे जो सीएल माइनस है इसको क्या करेगा, प्लस वाला घेर में चालू कर देगा। हाँ ना, एक्चुअली होता क्या है, जब हम एक्वस लिखते हैं ना, उसका मतलब क्या होता है, जैसे Na प्लस एक्वस या NaCl एक्वस, इसका मतलब है NaCl को पानी ने घेर रखा है, पानी में पड़ा है, पानी ने घेर रखा है, समझे। पानी ऐसा ही नहीं छोटी क्लास में बस एक्वस लिख दिया सर पानी में डाल दिया, पानी का भी बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। अब इसी को देखो, अगर थोड़ा सा और बड़ी उसमें समझना, तो होता क्या, एक सोडियम होता है और उस सोडियम को इस तरीके से पानी ने घेरा हुआ होता है, जैसे H2 है, यहाँ पे OH पूरा डंके बना देता हूँ, और ऐसे जो क्लोरीन होता है Cl माइनस, उसको किसने घेरा होता है, उसको भी ऐसे पानी घेर के। ये थोड़ा सा बनाने में फर्क इसलिए बेटा, क्योंकि ऑक्सीजन पे माइनस का चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे प्लस का चार्ज होता है, तो माइनस को कौन अट्रैक्ट करेगा, प्लस, तो हाइड्रोजन पे प्लस होता है, और माइनस प्लस को कौन अट्रैक्ट करेगा, माइनस, तो ऑक्सीजन पे माइनस होता है ना, तो इस तरीके से पूरा घेरा होता है। अब क्या मेरी बात समझ आई भाई, ये सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, मेरा सवाल था ये इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो पानी में जाते टूट क्यों रही है भाई। जैसे ये पानी में गई, पानी ने इसको घेरा, और पानी ने घेरा तो एक एनर्जी निकली, कौन सी, हाइड्रेशन एनर्जी, कौन सी निकली, हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये एनर्जी इतनी निकली कि इसने इस बॉन्ड को क्या कर दिया, तोड़ दिया, तो ये बॉन्ड टूटी, और इसके बॉन्ड के टूटने से, इसके टूटने से आयन फ्री हो गए। हाँ या ना, पक्का या नहीं बेटा? वो बीच में मेरी रिकॉर्डिंग रुक गई, मुझे पता ही नहीं चला, मैं कंटिन्यू कर रहा था, तो कुछ ज्यादा मैंने नहीं बोला, क्या बोला है इतना सुन लो, मैंने भी बताया था ना कि भाई एनर्जी निकली और ये बॉन्ड टूटेगी, टूटेगी तो वो पानी में सॉल्युबल हो जाएगा। तो इसमें दो फंडे हैं, जो ये जो एनर्जी रिलीज होती है इसको कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, और ऐसे इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। एक नया नाम है याद रखना, लैटिस तो हमें पता ही है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, लैटिस स्ट्रक्चर। तो इनके लैटिस स्ट्रक्चर्स को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी दे, उसे कहते हैं लैटिस एनर्जी। अरे जैसे मतलब कोयला है, कोयले को जलाने के लिए क्या चाहिए, उसे कहते हैं कंबशन एनर्जी, और उसको जलाने के लिए जो एनर्जी होती है, तो नाम है। तो ऐसे आयंस की जो आयनिक बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी। तो इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो लैटिस, और बाहर से रिलीज हो रही है जो पानी की वजह से उसे कहते हैं हाइड्रेशन। तो मैंने दो बातें बोली, मान लो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, लैटिस एनर्जी कम है, यानी रिलीज और हाइड्रेशन ज्यादा है, लैटिस कम है। मान लो यहां से रिलीज होने वाली एनर्जी क्या है, ज्यादा, और इसको चाहिए कम। मान लो यहां से रिलीज कितनी हो रही है, 30 रिलीज हो रही है, और चाहिए कितनी, 20, 30 आ रही है, चाहिए कितनी, 20, तो 30 पैदा हुई, 20 इसमें ले ली, टूट गया, आयन अलग, सॉल्युबल। तो मैं कह रहा हूं अगर हाइड्रेशन ज्यादा है, लैटिस कम है, तो आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल। अरे भाई पैदा ज्यादा हो रही है, 30 की पैदा हो रही है एनर्जी, और 20 की चाहिए तोड़ने के लिए, तो 20 ये दे देगा भाई, ले 20, तोड़, सॉल्युबल हो जाए। तो हाइड्रेशन अगर ज्यादा है, लैटिस कम है, सॉल्युबल है।